कांग्रेट्स दिलीप भाई, आप नॉमिनेटेड भी हैं और अवार्ड भी दे रहे हैं, बाय चांस आप ही को मिल गया तो जाहिर सी बात है मुझे नहीं मिलने वाला है। दो में से एक मिल सकता है, या तो अवार्ड या तो फिर आप प्रेजेंट करो, दोनों तो एक साथ कैसे हो सकता है। कोई बात नहीं, पिछले साल मुझे मिला था तो थैंक यू। मैं पिछले साल मिस कर गया था अवार्ड फंक्शन, सो ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ। शशि जी थैंक यू वेरी मच, ITA थैंक यू पिछले साल मुझे ये बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल अवार्ड देने के लिए, और इस साल बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी देखते हैं कौन है। अरे भाई यार, ये दिया है मुझे लिफाफा यार, बोलना दो यार। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यूरी बैठती है, सब देखती है, वो लोग परखती है, उसके बाद एक नाम वो लोग डिसाइड करते हैं। ऐसा थोड़ी है भाई किसी को भी दे दिया। तो बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी है, हाँ भाई आप राइट यार, कपिल शर्मा। थैंक्स स्टार प्लस ITA जिन्होंने इस काबिल समझा, और उतने ही काबिल लोगों से अवार्ड मुझे दिलवाया भी, थैंक यू सो मच। और ये मैं एक बात शेयर करनी चाहता हूँ कि जब कोई चीज़ बनती है, आप एक चीज़ बनाते हो, आप अपनी तरफ से अच्छा करते हो, लेकिन उसका कल को क्या हश्र होगा, वो लोग पसंद करेंगे या नहीं, ये ऊपर वाले के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है। जब हमने इसकी शुरुआत की, हम लोग तीन लोग थे, मैं, मेरा दोस्त राजीव ढिंगरा, प्रीति सिमोयस, हम लोगों ने, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, झलक की एंकरिंग के लिए बुलाया था हमें चैनल ने, और हम लोग उसको फाइनल करने गए, तो तब हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, मुझे याद है। अंबर जिन्होंने हमारी पहली स्क्रिप्ट लिखी थी वो भी यहाँ पर हैं, और हमारी जितनी भी टीम है, हमारे साथ जो काम करने वाले, ये जो शो देखते हैं आप, एक लाफ्टर आया और हंसी आई और निकल गया, लेकिन उसके पीछे कितने सारे लोग काम करते हैं, मेरी सारी टीम, भरत सर, धर्म सर, चंदन, रफी, राज, शहजाद, संदीप, आकाश, मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग सब आओ, बिकॉज आप सब लोग डिजर्व करते हो ये अवार्ड, प्लीज, ये मेरे लिए सम्मान होगा। आप प्लीज एक सेकेंड के लिए स्टेज पर आए, इन सबके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि रात रात भर तक हम लोग लगे रहते हैं, कई बार स्क्रिप्ट अच्छी नहीं बन पाती है, उसको दोबारा खत्म करके अगले दिन सुबह तक करते हैं, सो ये सब लोग डिजर्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच। अगर ये सब ना होते तो शायद ये शो आज ना होता।